रास्ते की मांग को लेकर उमरीकला गांव में टावर पर चढ़ा युवक वनकर्मी कर रहे अवैध तरीके से खेती। शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के उमरीकला गांव में आज बुधवार की दोपहर जगत सिंह लोधी अपनी मांग को लेकर टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़े युवक की पत्नी ने फॉरेस्ट विभाग के जिम्मेदार पर आरोप लगाते हुए बताया कि फॉरेस्ट विभाग के जिम्मेदार की साठगांठ के चलते रेंज की जमीन पर मूंगफली की फसल की बुआई कर दी गई है, जिस कारण से खेत खलिहानों पर जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। इसकी शिकायत पीड़ित कलेक्टर तक कर चुके हैं, इसके बाद भी कोई नहीं हुआ है। इसके चलते आज युवक अपनी मांग को लेकर टावर पर चढ़ गया। युवक की मांग है कि वनकर्मी ने मूंगफली की बुआई की है, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है और हमारे जानवर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर जाते हैं तो वनकर्मी जो अवैध रूप से खेती कर रहे हैं वो हमें मारने के लिए आमदा हो जाते हैं। क्या नाम है? दीप्ति जी। अभी युवक ग्राम उमरी में टावर पर चढ़े हुए, क्या है मामला, क्या है? हमारी रास्ता बंद देख हुआ फिर नहीं जा पा रहे, रेंज में फरी बुवा देंगे गार्ड रेंज ने जी। और आवेदन दिया है कहीं और? हाँ दिया है। किसको दिया था? कलेक्टर साहब को। हम दो बार फिर हमारी कोई सुनवाई नहीं। तो उनने कुछ बोला नहीं, कहा निराकरण का कुछ बोला, आवेदन का क्या हुआ? कुछ नहीं बोला है, बोला था तो कोई नहीं भैया। तो अभी किस कारण चढ़े हुए हैं ये टावर पर? ढोर बचे हो ना, हम निकल नहीं पा रहे, रास्ता नहीं है हमें उतर रेंज में। हाँ ढोर बचे हो, घर बंद है तो रास्ता निकलने को नहीं है। निकलने को नहीं है, वो हम जाते हैं तो फरी जिसने बीजे तो भी हमें मारे लिए पाते हैं। चलो ठीक है।